भारत माता के पेवावर की आवाज नहीं है भाई, भारत माता के जो बोले इस पेवा की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान मेरे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री इस नाते से, इसी जिले की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक इस नाते से भाई कृष्ण बेदी जी, इस इलाके के अपने सांसद पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में पेवा विधानसभा क्षेत्र में इस बार होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जुझारू नौजवान प्रत्याशी भाई संदीप सिंह जी, हमारे विधायक कुरुक्षेत्र विधानसभा से श्री सुभाष सुधा जी, अभी आज ही शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हमारी बहन बीबी करतार कौर जी, चेयरमैन सरदार हरपाल सिंह चीका जी, पूर्व मंत्री श्री बलबीर सिंह सैनी जी, पूर्व मंत्री श्री देवेंद्र शर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, श्यामलाल जांगड़ा जी, हमारे नौजवान भविष्य के नेता और इस विधानसभा के प्रभारी श्री राजकुमार सैनी जी, मैंने जानबूझ करके कहा है कि ये हमारे भविष्य के नेता हैं, युवा साथी हैं, राजकुमार सैनी के नाम से कहीं गड़बड़ ना हो जाए। श्री जसमेर जी शौकन, सरदार मक्खन सिंह जी लबाणा, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद जिन्होंने आज ही पार्टी ज्वाइन की, श्री सतविंदर संधु जी और हमारे पाल समाज के नेता श्री जयसिंह पाल जी, नाम काफी लिखे हुए हैं, जो बोल दिए वो सब जी, जो नहीं बोले वो भी सब जी, इधर भी जी इधर भी जी, बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों पत्रकार छायाकार मित्रों, आज 6 अक्टूबर का दिन और ये जो विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव के प्रचार का आज पहला दिन है, क्योंकि कल तक तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, नामांकन के बाद कल स्क्रूटनी और स्क्रूटनी में जितने 90 के 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनका नामांकन पत्र स्वीकार होने के बाद कल का आधा दिन तो मैंने अपनी विधानसभा में स्वाभाविक है करनाल में लगाना था, मैंने आधा दिन लगा करके और वहां के कार्यकर्ताओं से वोटर से समर्थकों से सबसे एक आश्वासन लिया है, यदि मुझे हरियाणा में बाकी विधानसभाओं में जाना है तो करनाल का हर वोटर हर हमारा समर्थक कार्यकर्ता अपने आप को मनोहर लाल बनकर के काम में लगाएगा, तभी मैं 90 की 90 विधानसभाओं में शेष 89 में घूमने का मुझे अवसर मिलेगा। और मुझे खुशी है कि करनाल की जनता ने करनाल के कार्यकर्ताओं ने सबने ये संकल्प लिया कि मैं ही मनोहर, सबने मनोहर लाल बनकर काम करना शुरू कर दिया है और वहां से
मुझे इस बात की सहमति मिली है कि आप पूरे हरियाणा में जाइए। और जब पहले दिन का कार्यक्रम मेरा बनने लगा तो मैंने कहा ऐसे नौजवान साथियों के यहां सबसे पहले जाऊंगा जिनको हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है और वो लोग सम्मान के हकदार भी हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 90 में से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनमें से एक हमारे भाई संदीप सिंह जी हैं। तो मैंने कहा यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। तो इस प्रकार से यहां के लिए प्रत्याशियों की तो भरमार थी, न केवल पेहवा में बल्कि ये साल तो इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है कि हर विधानसभा में पार्टी की विचारधारा में आस्था रखने वाले, जीत दिलाने वाले एक नहीं, तीन तीन, चार चार, पांच पांच प्रत्याशी थे। अब टिकट को आवंटन करते समय निश्चित रूप से पार्टी के सामने एक ये प्रश्न था कि हम फैसला कैसे करें। मैंने पहले भी एक जगह कहा कि जब चार प्रत्याशी एक जैसे होते हैं, एक को अगर टिकट मिलता है, तीन को नहीं मिलता, तो हमारे पास कोई कारण बताने लायक नहीं होता, किसी को भी मिल सकता है। लेकिन टिकट तो आखिर एक विधानसभा से एक पार्टी का एक ही मिलेगा ना। क्या भारतीय जनता पार्टी पेवा से दो प्रत्याशी उतार सकती है? क्यों उतार सकती है? क्या नहीं उतार सकती है? तो जब एक ही उतारती है तो उसका या तो कोई कारण होगा विशेष, सब विधानसभाओं के तो अलग कारण नहीं है, लेकिन कम से कम हरियाणा की कुछ विधानसभाओं में हमने जरूर ये विचार किया पार्टी ने कि कुछ बदल भी दिखना चाहिए, एक धर्रे पर नहीं चलना है। तो हमने इस बार तय किया कि जो जितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, आखिर हरियाणा में खेलों का महत्व बढ़ाने के लिए जहां कहीं अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हो वहां हमको आगे लाना चाहिए। जीत वाले बाकी प्रत्याशी भी यहां हैं, मैंने सबको कहा है आप भी जीत सकते थे, लेकिन इस बार हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे खिलाड़ी को लेकर के आए हैं जिन्होंने पूरा संघर्ष किया खेल के लिए, हॉकी के लिए किया है, लेकिन इस हॉकी से ज्यादा खेलों के प्रति जो उनके मन में एक आस्था मुझे दिखी, हमको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, इनकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं कि जब ये एक बार खेलों के लिए जा रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, कहां जा रहे थे, वर्ल्ड कप के लिए जर्मनी ये जा रहे थे, रेलवे पुलिस के एक कर्मचारी से गलती से और उनके यहां बंदूक से गोली चल गई और वो गोली की पीठ में लग गई, घायल हो गए। उस खेल में तो जा नहीं सकते थे, लेकिन एक साल लगातार बेड पर रहे, अगले एक साल अपने स्वास्थ्य को ठीक किया, जज्बा इतना कि दो साल के बाद फिर से खेल के मैदान में उतर गए, हॉकी का कॉमनवेल्थ में वर्ल्ड कप लेकर के आए। ऐसा जज्बाती व्यक्ति बहुत विरले होते हैं जीवन में मिलते हैं। घायल होने से पहले एशियन गेम में वर्ल्ड कप, घायल होने के बाद, ठीक होने के बाद कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, पहले भी गोल्ड मेडल, बाद में भी गोल्ड मेडल, तीसरा भी गोल्ड मेडल, ये हमारे हॉकी के कप्तान। आज इस विधानसभा की कप्तानी के लिए हम लोगों ने तय किया है, आपको लगता है कि इसमें हरियाणा का भला है, देश का भला है, विधानसभा का भला है, तो हमारे इस प्रत्याशी को अपने मस्तक का तिलक बना करके आगे बढ़ाइए। मित्रों, हरियाणा बहुत चीजों में आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में हमने हरियाणा में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी पंचायतों का रिकॉर्ड हो, चाहे वो कैरोसिन फ्री हरियाणा बनाने का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर रेशियो को इस तेजी से आगे बढ़ाने की बात हो कि हरियाणा का नाम सारी देश और दुनिया में आगे बढ़ा हो, चाहे हमने पारदर्शिता के जो मापदंड है उसमें हरियाणा सबसे आगे आया है,
चाहे वो बिना भेदभाव के कैसे विकास के काम कराए जाते हैं सारे प्रदेश में, इस नाते से प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आस्था बनी है उसका एक रिकॉर्ड बना हो, चाहे हरियाणा में जो सरकार चल रही है वही सरकार 6 महीने पहले यहां के लोगों ने मन बना लिया कि दोबारा से ये सरकार फिर रिपीट होगी, ये आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। 6 महीने पहले लोग बोलने लग गए नहीं नहीं सरकार तो यही चाहिए, वरना जो पोलिंग का दिन होता है उसे 4-5 दिन पहले मीडिया के लोग लिखना शुरू करते हैं, लगता है इस पार्टी की सरकार बनेगी, लगता है ये इस बार फिर दोहराएंगे। लेकिन तभी भी सरकार ने रिपीट किया है हरियाणा में, तो दूसरी बार जितना बहुमत पहले था उतना बहुमत कभी भी नहीं आया, उससे नीचे ही आया है। ये पहली बार ऐसा मौका हो रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन 47 सीट जीत करके 48वीं बाद में जींद की जुड़ गई थी 48 विधायकों वाली वो पिछली सरकार, इस बार 75 के पार लोग बोलने लगे, कभी नहीं हुआ हरियाणा, लोग अध्ययन करने लग गए हैं, एक लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना है। हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो पहले हरियाणा की हमारी सरकार को, उनका दोष नहीं है क्योंकि हम नए थे, पहली बार मैं विधायक बनाया, तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने विधायक दल ने मिलकर के कहा कि मनोहर लाल तो मुख्यमंत्री हो जाओ, हमको तो ये आईएएस नाम के जो प्राणी हैं इनकी शक्लें भी नहीं पता थी, इनके नाम भी नहीं पता थे। शुरू शुरू में 2-3 अधिकारी मेरे ऑफिस में आ गए, महीना भर तो मुझे हिचकोले लेता रहा, कभी इसकी शक्ल उसके नाम से जुड़ जाए, कभी इसकी शक्ल उसके नाम से जुड़ जाए, उल्टा पुल्टा होता रहा, बड़ी मुश्किल से उनके नाम याद किए, शक्लें याद की, शासकीय काम क्या होते हैं नहीं पता था। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और मैंने माना कि हाँ हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन एक बात साथ में कही कि हमको प्रशासन का अनुभव नहीं होगा, हमको राज चलाने का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी पार्टियां सरकार चलाती थी उनके जो अनुभव हैं, लूटना खसोटना, राज सत्ता को अपने लिए उपयोग करना, हमारा ये भी अनुभव नहीं होगा। एक अनुभव हमारा उनसे भी ज्यादा था, एक अनुभव उनसे भी ज्यादा था, वो था 40 वर्ष के लिए हमने घर बार छोड़ करके हरियाणा का चप्पा चप्पा घूमा, हरियाणा की जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफें हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, उनकी सेवा करने का भाव ये 40 साल से मन में कुलकुलाटे खा रहा था, कुलबुले कर रहा था कि हम इनकी सेवा कैसे करेंगे, दिन रात एक विचार रहता था। हम उस ओर आगे बढ़े, सिस्टम बदल दिए, सब सिस्टम में एक ही बात कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, इसको कैसे रोकना। हमको पूछते हैं हमारे मीडिया के मित्र, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों को सलाखों के पीछे भेजेंगे, मैंने कहा था, जरूर कहा था, लेकिन उसके बाद हमको ध्यान में आया कि वो जो जैसा भ्रष्टाचार करते थे कैसे कर पाते थे, उनके सिस्टम क्या थे भ्रष्टाचार के। सबसे पहले तो हमने उस सिस्टम को बंद किया, कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वो करते थे गलती से, चाहे अनचाहे हमारे भी लोग तो ना फंस जाए उसमें। हमने वो रास्ते बंद कर दिए, हमने जितनी डिस्क्रिशनरी पावर थी, स्वैच्छिक शक्तियां थी, चाहे वो नेताओं की थी चाहे वो अधिकारियों की थी, पहले उसके ऊपर नाका कसना शुरू कर दिया, उसको बंद करना शुरू किया कि इसके अधिकार कम कर दो, स्वयं से शुरू किया। कैसे, एक उदाहरण बताता हूं। जब कभी टाउन कंट्री प्लानिंग से किसी को लाइसेंस दिया जाता था, कोई भवन निर्माता या कोई बिल्डर कोई भी आकर के लाइसेंस सीएलयू लेता था, सीएलयू देने का अधिकार डायरेक्टर का होता है, लेकिन मुख्यमंत्रियों ने सन 1990 से एक प्रावधान कर दिया कि कोई भी जो लाइसेंस दिया जाएगा चाहे सीएलयू का और चाहे बिल्डिंग का, वो पहले मुख्यमंत्री के कार्यालय में आएगा और मुख्यमंत्री में कार्यालय में आकर के वहां से पास होकर के फिर जाएगा। अधिकार डायरेक्टर का है नियम के हिसाब से, मुख्यमंत्री के कार्यालय में फाइल आती क्यों आती है, वहां से यस होगी तो होगा, यस नहीं होगी तो नहीं होगा। और मुख्यमंत्री का कार्यालय आपको पता है यस करने के लिए क्या करता होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या करता होगा, ये सब हमने कहा ये नहीं चाहिए। जो अधिकार मुख्यमंत्री का नहीं है वो फाइल क्यों आए। हमने पिछले 1 नवंबर 2016 को हरियाणा का
जो हमारा स्थापना दिवस होता है उस दिन घोषणा कर दी, आज से ये सब फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं आएंगी। 26 साल पहले जो विषय उठा था उसको हमने एक झटके में छोड़ दिया, अब फाइल नहीं आएगी। जो काम होने लायक है डायरेक्टर करेगा, ठीक है तो ठीक करेगा, गलत है तो गलत करेगा, गड़बड़ करेगा तो उस डायरेक्टर की गर्दन पकड़ना हमारा काम है, उसको पकड़कर हिसाब किताब करता है। भ्रष्टाचार ऐसे बंद होता है। ये मास्टरों की बदलियां, कर्मचारियों की बदलियां, 20-20, 30-30 हजार रुपया जेब में डाल करके चंडीगढ़ में पड़े रहते थे, बदली करवाने के लिए आए हैं, यहां से वहां, वहां से यहां बैठे रहते थे। कुछ 10-20 लोगों की बदलियां होती थी शाम तक, वो 3 दिन के बाद पैसे खर्च करके वापस घर में पहुंचते थे, 4-5 घंटे के बाद पीछे पीछे फोन आता था कि आप जो बदली करा के लाए हैं वो तो वहां किसी ने कैंसिल करा दी है, पीछे पीछे उसके कैंसिलेशन का लेटर पहुंच जाता था। माथा रगड़ते थे, रोते थे, क्या हो रहा है। हमने कहा नहीं, सिस्टम बनाओ, जो सीनियर है उसकी बात पहले मानो, जो जूनियर है उसको थोड़ा दूर रखो। नौजवान है 10-20 किलोमीटर दूर नौकरी कर लेगा, लेकिन जो 55-58 साल का हो गया है, जिसको किसी बीमारी ने घेर लिया है, हमारी कोई महिला बहन है, कोई भी इस प्रकार की पीड़ित कोई ऐसा व्यक्ति है, उसकी प्राथमिकता दो। और एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम में से आपने 20 स्थान बता दिए, 20 स्थानों में से कोई स्थान मुझे दे दो, उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से जो बढ़िया स्थान उसको मिलता है वो सिस्टम से कर दिया। आपकी यह जानकारी के लिए हमने 42,000 टीचर पहले साल में एक क्लिक से ट्रांसफर किए, 93% अध्यापक खुश हो गए कि हाँ ये बहुत बढ़िया।